गोटे गुरुकुल आश्रम जड़े शिष्यर अत्यधिक कथ कह अभ्यास रही जो कि भारी हटहटा होगा पड़ूला आश्रम कि नपचारे से उपरे पड़ी अनेक कथा कहूला निजर पिलाड़ियामी बुद्धि आश्रम समस्त भलमंद गुणगुड़ी को किसी न बुझी विचारी अगलोक आगे खोली कहीदेला जदि आश्रम कौन व्यक्ति निजर दुख आ समस्या विषय ता आगे कहते तो से ही व्यक्तिर कथा न शुणु तुम एमती करार तुम एमती करार ना कही से ताको उपदेश देवा आरंभ कर देउथिला शिष्यटी आश्रम जहाँ किसी भी अधा अधूरा ज्ञान अर्जन करांग आगे निज आड़ बखाणी देखे होता तेणु आश्रम कहीं भी ताको गुरुत्व देउन कि पसंद करुन आठारू यथासंभव निजक दूरे रखिथिले से ही शिष्यटी जापारूला जे अधिक गपिवा जो अन्य सहित सांग होगा पसंद करूना तेणु से निजर से ही कुअभ्यास को बदल चाहूला हेले कौन कर चाहिए तार से ही पुराणा अभ्यास छाड़ पार ना एणु से ही समस्या मुक्ति पाइबा निम्ते से गुरु निकट को जा निजर समस्या विषय जनइला शिष्यर समस्या शुणी गुरु कहले पुत्र अधिक से ही लोक कही थाए जहाँ लगे कि से सबू जाणि थाए आउ जो लोक भावु थाए जे से एपर्यंत खूब कम जाणी ताकू आहुरी अनेक किछि जानिबाकू बाकी रही से केबे भी आवश्यकता ठारु अधिक कहे नाही कि केही ता ठारु परामर्श न मागिबा जाय से ताकू कोनोसी परामर्श दिए नाही तेणु तुमको सबु किछि जणा बोली एही अभिमान को प्रथमे तुम मनरु हटाई देबाकू पड़िबो। शिष्य जनक निजर भूल बुझिपारी गुरुंक आगरे निजर मथा नुआई रहिले। गुरु शिष्य को कहिले तुम भितरे थिबा ए अभ्यास हठात बदली जीव नाही मात्र चेष्टा जारी रखिले तुम्हें धीरे धीरे ए अभ्यास को निश्चित भावे बदलाई दे पारिबो। तेबे आज मु तुमको एमती पांचटी अमूल्य वाणी सुनाइबी जहाद्वारा कि तुम्हें निजक चुप रखी बहु बड़ बड़ अघटन व समस्या को एड़े दे पारिबो। शिष्य जनक गुरु बाणी शुणापी नम्रतार सहित निजर मुंड हलाई हाँ भरिले। यहापर गुरु कहिले बश्च जदि तुम्हें तुम भावना को कहा आगे प्रकाश कला बेले से ही व्यक्ति तुम कथा को अनुभव करूना बा बुझिपारुना बोले तुम्हें अनुभव करुच तो से तुम्हें चुप रहा ही भल जदि आम क्या आगे निजर दुख कथा को प्रकाश करुंट तो थे कि दिथर से शुणे मात्र परवर्त समय से दुख और समस्या को शुणा को पसंद करेंगे ना आम ठार दूरे रहा निश्चय चाहिए कहीं कहीं भी दुखी आउ असहाय व्यक्ति पाखे रही दुखी होगापी चाहती ना समस्त केवल निजर खुशी ही मतलब रही थाए तेणु किसी खास बंधु व परिवार व्यतीत अन्य को निजर दुख विषय जनइवा आदौ उचित नुहे। द्वितीय कथा है जितेबले आम कौन घटना विषय संपूर्ण भाव जाणि नथिबा किंबा कौन विषय आम संपूर्ण ज्ञान नथिबो तो से विषय क्या ज्ञान न दे बर चुप रहा निहाती आवश्यक जदि कहीं अल्प किसी जाणी ज्ञान बंटन करें तो तार कथा को कहीं भी गुरुत्व दे न था बर से अन्य थटा परिहास पात्र बनी जाए। यहापर गुरु कहिले जदि कहीं तुम आगे आउ जनकर निंदा करुए कि तार दोष दुर्बलता को बखाणु थाए तो से व्यक्तिर कथे हाँ भरी कौन सी व्यक्तिर निंदा करवा कि तृतीय व्यक्ति विषय नकारात्मक मंतव्य देवा आदौ उचित हो न थाए कारण आज जो व्यक्ति तुम आगे तृतीय व्यक्तिर निंदा करुच्ची काले से ही तृतीय व्यक्ति संपर्क में सुधार आसीगला से ही निंदा करुवा व्यक्ति हिं तृतीय व्यक्ति विषय में तुम्हें कही समस्त नकारात्मक कथगुड़ी से ही तृतीय व्यक्ति को कहीदेवार दृढ़ संभावना थाए तेणु जदि कही भी तुम आगे अन्य कौन व्यक्तिर निंदा कै कि थटा परिहास कै तो तुम्हें से तार कथा शुणा व्यतीत आदो मंतव्य देवा उचित नुह कहीं से तुम्हें दे मंतव्य भविष्य में तुम्हें समस्या आनीदेपे। गुरु निजर शिष्य को कहिले आउ गोटाए कथा मन रख जदि कहीं अतिमात्रे क्रोधित हो तुमको गाड़ी करुए कि अपमान दे तो तुम्हें से चुप रही तुमको गाड़ी देखा व्यक्तिर क्रोध को कम कर एक बड़ झगड़ा व अघटन को टाईपर कारण तुम्हें जदि से रागि व्यक्ति झगड़ा नक चुप रही तो राग शांत हो जाए तुम निरवता से ही क्रोध करुवा व्यक्तिर मनरे गोटे विराट प्रभाव पकाई थाए फल क्रोध करुवा व्यक्ति मने मने पश्चाताप करने को लगे एवं दरकार पड़े हे तो से तार आचरण लगी तुमको क्षमा मागिपे जदि भी क्षमा न मागे तो ता मन भितर निजक दोषी बोली अनुभव करने को लगे फल भविष्य में आउ के से तुमको रागवा आगु ताकू अनेक थर चिंता करने को पड़ी थाए मात्र सबुबले चुप रहा ठीक हो न थाए कारण अनेक लोक अच्छा जो मैंने कि कह चुप रहा तार दुर्बलता भाई नहीं था तेणु जदि कहीं भी भूल कर गाड़ी देए तो तार जवाब सठिक ढंग से देवा आवश्यक तेबे परिवार मित्र किंवा बंधुबांधव क्रोध समय चुप रही निजर तथा निज संपर्क पर हित साधन होता है। शेषे गुरु कहिले
जदि केही तुमको तार दुख आउ समस्या विषय कहुची त सेतेबेले तुमे चुप रही केवल तारी कथा को सुनिबा आवश्यक। केही निजर दुख विषय कहुथिबा बेले अधिकांश लोक तार कथा न सरुणु ताकु तार समस्या समाधानर मार्ग विषय कहिबा आरंभ कर दियंती जहाँ कि से आदौ चाही न थाए कारण से तुम पाखे निजर समस्या समाधान पाई नुहे बर निजर दुख को तुमको जणाई निजर भारी मन को हालुका करिया को चाही थाए एणु से चाही थाए कि तुमे तार मनर वेदना को मूलरु शेष जाए संपूर्ण भाव में मनोजोग शुण आउ जदि तुमे तार कथा को संपूर्ण रूपे शुणी थाओ तो तार मन को भारी हालुका लगी थाए। गुरु शिष्य को पुणी कहिले बश्च गोटाए कथा मन रखि थिबो जेतेबेले केही तार दुख विषय आम आगे वर्णना करिथाए तो से आमठारु कौनसी समस्या समाधान उद्देश्य नहीं आसी नथाए कारण जो समस्या समाधान रास्ता आम देवाकू चाही थांती ताहा से बहु पूर्वरु ही जानी थाए कहार खराब समय सांत्वना देवार श्रेष्ठ उपाय है कि आम तार समस्त कथा को ध्यान सहित शुणा जदि आम तारी कथा मधे न टकई किंबा कौन उपदेश नद मनध्यान दे चुप हो शुणी था तो तार मन मस्तिष्क आम प्रति एक स्नेह आउ सम्मान बढ़ी जाए आमको से जड़े शांत गंभीर आउ गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति मन करें तेणु जदि किए केबे भी तुमको तार समस्या विषय कहिब तो प्रथम तार कथा को भल भाव तुम्हें शुणी नेब एवं जेपर्यंत से तुम ठार कौन परामर्श न लोड़ी से पर्यंत तुम्हें कौन भी उपदेश देवना गोटाए कथा मन रखि था तुम्हें जदि कम कथा कह तो लोक मैंने तुम पाखक अधिक आकर्षित होते तुमको सम्मान करेंगे। शिष्यटी गुरु अमूल्य बाणी शुणी निजक धन्य मन कर तेबे दर्शक बंधु आशा करुच्ची आज छोटिया भिडियोटी आपंकर हृदय को निश्चय छुईपारी भिडियोटी भल लगी या लाइक सहित अन्को निश्चित भाव में सेयार करूँ आउ आम चैनल को प्रथम थर पर आसते आम चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ पुणी आसबि आउ एक शिक्षण भिडियो नहीं पर्यंत विदाय। जय जगन्नाथ।